अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुकद्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नो के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम। चेयरमैन AA3 तेलंगाना न्यूज, मोहम्मद आजम अली। हैदराबाद का, अरे हैदराबाद का मुद्दा क्या है? कांग्रेस से दोस्ती कर ली है, मैं मुद्दा क्या है? असदुद्दीन को जिता देने का है बस। हमारा हाईकमांड बोल दिया, दिल्ली बोल दिया, हमारे रेवंत रेड्डी बोल दिए। फिरोज खान एक योद्धा है, एक सोल्जर है, एक वर्कर है। हाईकमांड बोल दिया हमारी दुश्मनी तो रहेंगी, असदुद्दीन से तो दोस्ती नहीं होंगी। मगर बराबर कांग्रेस पार्टी बोली उनको मदद कर दो, बराबर इंशाल्लाह कर देंगे। सिकंदराबाद पार्लियामेंट का कैसा रहेगा सब कांग्रेस पार्टी का? ये पूरा इसराफ है। कौन बोला साहब? बड़े बड़े फंक्शन आना ले लेके 5-5 लाख किराया, 10-10 लाख किराया, 3-3 लाख किराया दे दे के, हाँ, फुल डेकोरेशन आ करके, इफ्तार पार्टी है, वलीमा है, या निकाह हो रहा, या जुमागी हो रही, या कम से कम खतना हो रही, आखिर कई के लिए दावत आ दे रही, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। और एक बात समझ में नहीं आ रहा, फिरोज खान को बुला रहे हैं हर जगह। फिरोज खान को अल्लाह का दिया हुआ 3 टाइम का खाना है, हाँ। कभी जो भी मुसलमान सुन रहे हैं, इतना इतना भी, हाँ जुनेद, पूरे जो मुसलमान सुन रहे हैं, जुनेद है, कभी पकड़ो ऐसे बच्चों को, पूछो इन्हें क्या पढ़ रहे हैं, इनके घर की माली हालत क्या है, इनको जाती घर है क्या, कहीं को इन्हें नहीं पढ़ रहे हैं, इनके बाबा की कैफियत क्या है, इनकी अम्मा की क्या है, बीमारी है क्या, इनको बुक्स है क्या, बैग्स है क्या, ये करो ये इस्लाम सिखाया, पूरे पेट भरों को दे रहे हैं दावत। दावत में गए तो देखो तो मर्सिडीज़ बेंजा आडियाँ, राइट, दो दो करोड़ के गाड़ियाँ, 3-3 करोड़ के गाड़ियाँ आ रहे हैं। तो एक एक जने शेरवानी, 1-1 लाख की शेरवानी, हाथ में 20-20 लाख की घड़ी, पूरे जिसको भी दौलत से अल्लाह ताला नवाजा उनको इफ्तार की दावत दे दे रही, हाँ। फिर देखो तो हम कुरान फॉलो कर रहे, तरावी पढ़ रही, अरे तरावी पढ़ के कुरान को समझो मेरे भाई, मैं तुम लोगों के ईमान के ऊपर शक नहीं कर रहा हूँ, राइट, मेरे से बेहतरीन मुसलमान है तुम, मैं तो गुनहगार मुसलमान हूँ, मगर ये ख़त्म करो तुम लोग। अरे लोगों को देख के समझ में नहीं आ रहा, 8-8, 10-10 दावत दे रहे, और एक गरीब नहीं दिख रहा, एक मजलूम नहीं दिख रहा, एक जिसको भी ज़रूरत है उसको नहीं दे रहे। और कुरान के अंदर हदीस के अंदर बोले, अरे भाई जो शरीफ आदमी है, जो मुसलमान है, जो बेरोज़गार है और जो ज़रूरतमंद है, उन्हें हाथ नहीं फैलाता। आप गलियों में जाओ, मोहल्ले में जाओ, तलाश करो और वैसे घरों को निकालो। अरे तुम लोग के पास वो एड्रेस आ लेंगे तो मेरे को कॉल करो, मैं देता हूँ। एक एग्जाम्पल, बाजार घाट में एक DCM चला था बंदा, 10,000 कमाता, 6 बेटियाँ हैं उसको, ऐसा घर तलाश करो। एक बेटी की शादी की जिम्मेदारी लियो, 6 बच्चों में से एक बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी लियो, ये तो इस्लाम है। और मैं पूरों को बोलता हूँ, अरे इस्लाम जब तुम समझ जाएंगे सबसे खूबसूरत मजहब, और तुम्हारे को सबसे खूबसूरत बनना है तो उसमें इंसानियत है, कुर्बानी है, मोहब्बत है। ये क्या रे भाई, रोजे रह रही और पूरा एग्जीबिशन कर रही दावत आ, ये क्या है रे बाबा। और पूरे रोज़ों वालों को बोलता हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ के बिखर जाना है, दीन में भी रहना है, दुनिया में भी रहना है। फजर की नमाज़ पढ़ के सो जा रही, असर की नमाज़ में उठ रही, नहा के धो के चिकने बन के आके फिर रोज़े में बैठ के आधा घंटा खा रही,